श्री गणेशाय नमः। मेरे सर पर रख दो मैया, मेरे सर पर रख दो मैया, अपने ये दोनों हाथ मैया हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ मैया हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जय माता दी, हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। आज हम चैत्र मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुद्युम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा का वर्णन किया गया है। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जामवान से स्यमंतक मणि लेकर आए थे। अगर आपने पहले का अध्याय नहीं सुना है तो कृपया सुन लीजिएगा। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। श्री सूची महाराज कहते हैं कि हे मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास भी सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय जी ने तीर्थ व्रत और दान के महात्म्य में से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं उन्हें सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशुद्ध रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर से पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले हे भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र का गुणगान किया गया है। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक भला कौन कह सकता है। फिर भी मैं संक्षिप्त से कहता हूँ, इसे सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सचिदानंदमय जिनका श्री विग्रह है, तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। इसीलिए हे मुने, इसे देवी की वांग्मय मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाते। सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता अर्थात ब्राह्मण देवता ने कहा, मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प करके वे हवन करने लगे। इसके विपरीत भावना के फल स्वरूप ईला नाम की कन्या उन्हें उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान उस कन्या को देखकर उदास हो गए। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। फिर उन्हें मालूम हुआ कि होता इस व्यक्ति क्रम के कारण है। तब ईला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह ईला सबके देखते ही देखते पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके ईला का नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के ही इतिहास सागर। कुछ समय के बाद जब सुद्युम्न युवा हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं,
तभी वे तुरंत लौटकर वैकुंठ लोक को चले गए। फिर भी अपनी प्रियसी पत्नी पार्वती जी को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुद्युम्न वहां पर अनजाने में सहसा ही चले गए और जाते ही उनकी आकृति अर्थात उनका शरीर स्त्री का हो गया। उनके साथ के सभी लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में बदल गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है कि वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सनिकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी और वह स्त्री भी सोम नंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीतने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। याद आते ही उसके मन में दुख की छटा छा गई। फिर तो वह वहां से निकली और तुरंत ही गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनकी शरणागत हो गई। सारी बातें विदित होने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भगवान, आप कल्याण स्वरूप मंगलकर्ता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले नीलकंठ हैं, जो कल्याणमय विग्रह हैं। शरणागतों का भय दूर करना ही जिनका स्वभाव बन गया है। वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवादिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती जी साथ में विराजमान थी। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। तीन नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था और वे अत्यधिक प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे कि हे विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा कि ये एक महीने तक पुरुष रहेगा और एक महीने स्त्री। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुख मंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक देवी पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली हे देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली और दुष्ट दैत्यों के संहारिणी हे भगवती दुर्गे, आपकी जय हो।
भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बे के आपको प्रणाम है। हे महामाया, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी आप प्रसन्न हो जाइए। देवी, कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं तो बस केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने पर वे तुरंत ही प्रसन्न हो गई। फिर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुद्युमन के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। हे द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुद्युमन को श्रीमद देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसको सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अब मुनिवर वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले आए। उन्होंने सुद्युमन को बुलाया और देवी की आराधना करने की सारी बात कह सुनाई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युमन को श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और फिर वे इस प्रकार सदा के लिए ही पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने सुद्युमन का राज्याभिषेक किया। अभिषेक करने के साथ ही सुद्युमन प्रजाजन को प्रसन्न करते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने तरह तरह के यज्ञ जिसमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है उन सब से देवी की पूजा की। उसके बाद पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। हे विप्रवरों, मैंने विशद रूप से यह इतिहास कह सुनाया। जो मनुष्य परम अमृत रूप इस प्रसंग को पढ़ता या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, संसार में देवी भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चले जाते हैं। राजा सुद्युमन के स्त्री बनने और श्रीमद देवी भागवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा सुनने के साथ ही श्री सूत जी ने बताया कि जब इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत कथा सुनने के बाद भी अगस्त्य जी की इच्छा शांत नहीं हुई, तब नम्रता पूर्वक उन्होंने श्री कार्तिकेय जी से कहा। उन्होंने कहा कि आप तो देव सेना के अध्यक्ष हैं, मैं आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन चुका हूँ। अब श्रीमद देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। फिर स्कंद भगवान कहते हैं, अर्थात कार्तिकेय जी कहते हैं, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब यह कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतः इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋतवाक नाम से एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार पुत्र उत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडात होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं सविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए गए। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते थे। माता की भी यही स्थिति हो गई थी। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी उदंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, ऐसा कौन सा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया? उस समय उस लड़के ने किसी मुनि स्त्री को हठ पूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था।
तब ऋतवाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे कि दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में भी ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मनुष्यों को पुत्र ही ना हो, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही देता रहता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से ना मित्रों का उपकार होता है और ना शत्रुओं का अपकार ही होता है। जगत में वे ही पुरुष बड़भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ होता है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता और माता पिता को सुखी बनाए रहता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। जगत में अपकीर्ति होती है। इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं और अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है और दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता जाती रहती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे गर्ग जी के पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि हे भगवान, आप तो ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की, स्त्री के साथ रहकर सदा गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। हे विप्रवर, मुझे नरक का भय सदा बना रहता था, इसीलिए काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र आज्ञा अनुसार गर्भ धारण किया। हे मुने, फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया? यह दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। ऋतवाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा, मुने, पुत्र के दुष्चरित्र होने में ना तुम कारण हो और ना माता और ना ही कुल। रेवती का अंतिम चरण गंडात होता है, वही इसका कारण है, क्योंकि हे मुनि, वही निंदित वेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, इसीलिए तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया है, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती देवी दुर्गा की आराधना करो, यतन पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात को सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को शाप दिया कि वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। इस प्रकार रेवती को शाप देने के बाद मुनिवर ऋतवाक गर्ग जी के कथन अनुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर्वत पर था। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय के बाद वह सुंदर कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, ऐसा वे मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे और अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के विषय में मुनि से बोले कि हे मुनि, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी शूरवीर प्रियभाषी तथा युद्ध में पीछे ना हटने वाले राजा दुर्दम
इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच ऋषि के आश्रम पर आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई नहीं पड़े। अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके पूछने लगे कि हे प्रिय, महाभाग महर्षि आश्रम से कहां पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कन्या कहने लगी कि महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वे राजा की वेशभूषा में थे। नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम, अर्घ उपस्थित करो। ये राजा अर्घ पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ है। और खास बात तो यह है कि यह हमारे जमाता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राजा दुर्दम अर्घ आदि के बाद आसन पर विराजमान थे, तो मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और उनकी कुशल पूछी। कहा, हे राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्यवर्ग, मंत्रीवर्ग, देश, नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है, इसीलिए मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। हे राजन, तुम अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। तब राजा कहने लगे कि भगवान, आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है। हे ब्राह्मण, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जमाता कहा है, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? तो ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी पत्नी हुई यह रहस्य तुम नहीं जानते। तब राजा कहने लगा कि प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि पत्नियां घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ऋषि कहने लगे, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है वही तुम्हारी प्रेयसी पत्नी है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। तो राजा ने कहा कि मुने, आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न ना होना। तब ऋषि बोले कि हे राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो, तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा है, राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के यत्न में संलग्न मुनि को देखकर उनसे कन्या ने कहा कि पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। तो ऋषि बोले, वत्से, अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती ही क्यों, उसी में क्यों विवाह करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में ही नहीं है। तो कन्या ने कहा, रेवती से अलग नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित नहीं होगा, अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस नक्षत्र में ही मेरा विवाहिक क्रिया संपन्न करने की कृपा करें। फिर ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋत्वाग मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था।
अब वहां उसका स्थान है ही नहीं। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो? तो कन्या बोली, क्या केवल ऋत्वाग मुनि ने ही तपस्या की है? मन वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है? हे पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं। मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ, अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। फिर ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंद जी कहते हैं, हे अगस्त्य, इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के बाद मुनि ने राजा से कहा कि वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, कहो, उसे मैं पूर्ण करने को तत्पर हूँ। तो राजा बोले, हे मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। तो मुनि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद देवी भागवत पांचवा पुराण है, उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा, उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी रहस्य उसे ज्ञात रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित ना हो सकेगा। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए और पिता पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने शासन आरंभ कर दिया। राजा दुर्दम बड़े बुद्धिमान और धर्मात्मा थे, वह उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राजभवन पर पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि हे मुनि, आप तो सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात को सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे कि हे राजन, तुम तो धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। जो भगवती जगदम्बिका देवता दानव और मनुष्यों की परम आराध्य है, उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई है तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है? अतः हे राजन, मैं तुम्हें श्रीमद देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊंगा, उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रहता। ब्राह्मण ऐसा कहकर लोमस जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नी बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की, निर्वाण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याओं को भोजन करवाया गया। वे सपत्नी ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, स्वर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जात कर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गई। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। इसके बाद समय पर यज्ञ पवित्र हुआ। तब अंगों और उपांगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी, धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला परम पराक्रमी
तथा अस्त्र विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रैवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त्य जी ने श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य एवं विधि सुनने के बाद स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन मैं कर चुका। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, अब देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को सुन चुके, अब हम पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगण, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य रोहिणी, श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र, पुण्य तिथियां और शुभ ग्रहवार, इसमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः फल ऐसा समझना चाहिए, 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुख कर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उपस्थित करने वाले, इसके बाद 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीने में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है, वैसी ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करें। पाखंड तथा लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में ऐसा समाचार भेजना चाहिए कि आप लोग यहाँ अवश्य पधारें। श्रीमद देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति अथवा विष्णु किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों ना हो, वे सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती आद्या शक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद देवी भागवत की कथा अमृतमय है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण स्त्रियां, आश्रमवासी, चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। यदि 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश ना मिले तो इस पुण्यमय यज्ञ में यथा अवसर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। बहुत ही नम्रता के साथ जन समाज में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करें। धरती को झाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजाएं। वहां की भूमि विस्तृत को उसे गोबर से लीप देना चाहिए और वहां सुंदर मंडप बनाएं, केले के खंभे लगाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए, ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगाएं, उस आसन पर सुख प्रद बिछौना होना चाहिए। यतन पूर्वक ऐसा आसन बनाएं कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा बांध सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आए और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विजय शास्त्र ज्ञानी, देवी के उपासक, दयाशील, उदार और सत असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है
जो ब्रह्मा में आस्था रखता हूँ, जिसकी देवताओं में भक्ति हो, तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हूँ, साथ ही उदार, लोभी तथा नम्र तथा हिंसावादी से वर्जित भी हो, पाखंड रचने वाले लोभी, स्त्री लपंट, धर्म ध्वज, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माने गए हैं। श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान, संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथा वाचक के पास बैठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण शोर कर्म करा ले। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय वेला में ही स्नान कर ले। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें। श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गौदान करना चाहिए। श्रीमद देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वांग्मय मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम आवश्यक है। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। वे ब्राह्मण नरवाण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के बाद भगवती देवी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे कात्यायनी, आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बे के आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलक्षित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास स्वरूप मानकर समाहित मन से कथावाचक की पूजा करें। माला, अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की इस प्रकार प्रार्थना करें। हे भगवान, आप व्यास स्वरूप हैं, संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहासों का रहस्य आपको विदित है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। 9 दिन तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बिठाकर उनकी पूजा करने के बाद स्वयं बैठें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर, स्त्री, पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा वाचें। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। वास्तव में तो कथार्थी के लिए एक समय हविष्यान खाना ही ठीक है, अथवा वे फल खाएं या दूध घी के आहार पर ही रहें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न ना पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर ले। हे द्विजवरों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होती, तथा जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हैं, उन्हें श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवता के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अनधिकारी हैं। व्रती पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, सत्य बोलें, इंद्रियों पर काबू रखें और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करें। बैंगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ, बासी तथा भाव दूषित अन्न त्याग दें। मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर इत्यादि ना खाएं। काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ एवं अभिमान को पास ना आने दें। ब्राह्मण दोही पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, ऋतुमती स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत ना करें। वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता और देवता के भक्त इनकी निंदा कान से भी न सुने। जो कथा व्रती पुरुष हैं, उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहें, निष्कपट व्यवहार करें,
पवित्रता रखें, दयालु बनें, थोड़ा बोलें और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहें। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोग वाला, पापी, दरिद्र, भाग्यहीन और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री वंध्या है, भाग्यहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो, अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ में ही गिर जाते हो, यह स्त्रियां श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है, वह यतन पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के ये 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। इनमें किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव ही है। पुस्तक और कथा वाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराता और प्रार्थना करता है तथा साथ ही सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रहता। और कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण त्रुटियों की शांति के निमित्त गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण और नाम उच्चारण से तप, यज्ञ एवं क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती, उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा निर्वाण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घी सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद् देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र, भूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिन स्त्रियों को और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। स्वर्ण दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान करना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। इस पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम ना करें। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इसे उपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दरिद्र भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी जन भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। जो मनुष्य पुस्तक को, रेशमी वस्त्र और सुंदर सूत्र का दान करते हैं, उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की 9 आवृत्तियां सुन चुका हो, उसके फल का कहां तक वर्णन किया जाए, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो, अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विप्लव हो, तो इन सब के भय की शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए। हे द्विजगणों, भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने और पुत्रोत्सव होने के लिए
इस देवी भागवत का श्रवण आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्री मुख से आधा श्लोक ही निकला। इसके बाद शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तपस्या है, ना देवता है और ना भजने योग्य ही है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, अतः इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्यमान है। यह देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पावन पुराण है। ब्राह्मणों का यह एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसी में धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य, निवास, भूत, भगवती के मणि द्वीप का वर्णन एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसी में है, जिनके संपूर्ण प्रभाव को महान देवता गण भी नहीं जान पाते। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु जी पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणि द्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। यह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष भी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न भगवती जगदम्बिका वहां विराजती हैं। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के बाद निश्चय ही परम पद भी पा जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणि द्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण करे। जय माता दी। आज की महात्म्य कथा यही समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप कल के अध्याय में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।